Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्रो है और इस फोन के अंदर अगर आपको करना है कॉल रिकॉर्डिंग, तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कैसे इस फोन के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग को कर सकते हो। कॉल रिकॉर्डिंग करने के बाद आपकी जाति कहाँ है, उसको शेयर करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, उसके बारे में भी आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन का जो डायलर है फ्रेंड्स, इसको आप ओपन कीजिए, जिसके बाद ऊपरी ओर आपको एक आइकन देखने को मिलेगा सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हो आपको देखने को मिल जाता है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का एक फीचर, जो कि कुछ इस तरह से आपका डिसेबल रहेगा। यहाँ आने के बाद इसको ऑन कर दीजिए, अब आपके इस फोन के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं या फिर किसी को शेयर करना चाहते हैं कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, तो इसके लिए आपको यहाँ से वापस आ जाना होगा और आपका जो फाइल मैनेजर है वो आपको ओपन कर लेना। तो इस फोन का जो फाइल मैनेजर है फ्रेंड्स, उसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑडियो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपकी जो सबसे लास्ट में कॉल रिकॉर्डिंग हुई होगी वो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से आने के बाद उसको सुन सकते हैं। शेयर वगैरह करना तो उस पर टैप एंड होल्ड करके रखिए, यहाँ शेयर का बटन देखेगा नीचे साइड, इस पर क्लिक करके आप किसी को बाद में शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप कॉल रिकॉर्डिंग को बहुत आसानी से कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।